गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रू लेके आई हूँ डेलिशियस सी कुछ रेसिपीज रिलिशियस किचन में आपके लिए। और ये मेरा नया कुकिंग ब्लॉग है, आशा है आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। और आज हम बना रहे हैं इसमें चोकोलावा पड्डू। ये बहुत ही इजी सी एक स्वीट रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी है, छोटे बच्चों से लेके बड़ों सबको बहुत पसंद आती है। तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए वो देख लेते हैं। तो हमें चाहिए इसके लिए 1 से 1.5 कप मैदा और शुगर। तो हम पहले इसमें डालेंगे 1 कप मैदा, और आप इसको 1.5 और 1.25 तक भी कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। और मैदा लेने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क पाउडर जो कि है 2 टेबल स्पून, और इसको भी हम इसी में ड्राई इंग्रेडिएंट्स में डाल लेंगे, मिला लेंगे इसको। और इसके बाद हम इसमें मिलाने जा रहे हैं 1.5 से 2 चम्मच कोको पाउडर, आप 1.5 भी मिला सकते हैं, 2 भी, इट्स अप टू योर टेस्ट। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी शुगर जो आपके ऊपर है, मैंने 1.5 चम्मच डाली है, आप इसमें 3 चम्मच तक डाल सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं क्योंकि बहुत मीठा हो जाएगा। ये स्लाइट सा मीठा होता है क्योंकि इसके अंदर चॉकलेट फिल होती है और फिर चॉकलेट सॉस भी डलता है। तो इसके साथ ही इनको मिलाने के बाद हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच मीठा सोडा और 1 चम्मच डालेंगे इसमें हम बेकिंग पाउडर। और इन सबको डालने के बाद हम इनको बहुत अच्छे से मिला लेंगे, ये जो सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं मैदा चीनी शुगर, और फिर इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे दही जो कि है 1 टेबल स्पून। और दही डालने के बाद हम इसमें थोड़ा सा वनीला एसेंस डालेंगे 1 छोटा चम्मच, 1/2 चम्मच भी, अगर आपके पास एक्स्ट्रैक्ट है तो 1/2 चम्मच बहुत होगा, अदरवाइज 1 स्मॉल टीस्पून आप वनीला एसेंस। और फिर हम इसमें डालेंगे वार्म मिल्क डाल के आप इसको अच्छे से मिलाएंगे, ये बहुत जल्दी से मिल जाता है, इसमें ज़्यादा गांठें नहीं पड़ती हैं। आप इसको मिलाइए एक स्मूथ सा, एक्चुअली में आप इसी बेस से पैनकेक्स भी बना सकते हैं, और इसमें अगर आप एग मिला देंगे तो और भी अच्छा बनता है। मैंने एग नहीं डाला है, उसकी जगह दही डाल दिया है। और इस बैटर को आप तैयार कर लेंगे, और ये तैयार हो गया है आपका चोकोलावा पड्डू के लिए बैटर। और इसी में अब हम इसको अच्छे से मिला के, इसमें रिबन कंसिस्टेंसी आनी चाहिए, जब आप इसको डालो तो रिबन बनना चाहिए। और ये हमारा बन के तैयार हो गया है, देखिए इसमें कोई लम्स नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत ही इजीली ये 5 मिनट में बन के तैयार हो जाता है। अचानक आपके बच्चों को पैनकेक्स खाने का मन कर रहा है तो आप इसमें अपने अकॉर्डिंगली पैनकेक्स भी बना सकते हैं। तो ये हो गया हमारा तैयार बैटर। तो चलिए हम चलते हैं अपम डिश की तरफ। तो ये पड्डू डिश में हमने ग्रीस कर लिया, और हम इसमें थोड़ा थोड़ा डाल देंगे, इसको हाफ फिल करना है, पूरा नहीं करना है। क्योंकि इसमें अभी हम चॉकलेट की बॉल्स डालेंगे, चॉकलेट बॉल्स के लिए आप कुकिंग चॉकलेट ले लीजिए, और उसमें अगर 4 चम्मच कुकिंग चॉकलेट है तो 1 चम्मच मलाई लेके आप उसको मिला के और उसकी बॉल्स बना लीजिए और फ्रीज़र में रख दीजिए, और जब आपको इसको रखना हो तब आप इसको उसके साथ कर सकते हैं। ये देखिए मैंने चुके इसके अंदर चॉकलेट बॉल्स रख के, और इसके ऊपर वापस से वही बैटर वापस डाल देना है आपने, ताकि ये ऊपर से ढक जाए। और इसको ढकने के बाद आपने इसको मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 3 से 5 मिनट, आपके ऊपर है आपका जो पड्डू का डिश है वो कितना थिक है, अगर बहुत पतला है तो 3 मिनट में भी हो जाता है, और अगर बहुत थोड़ा सा थिक है तो 5 मिनट, मैक्सिमम 5 मिनट लगेंगे आपको इसको बनाने में। और आपने इसको ऊपर से फिल कर दिया, अब आप इसको
बनने के लिए रख देंगे। तो ये पड्डू तैयार हो चुके हैं, इनको हम अब रख देते हैं मीडियम फ्लेम में। मैंने नीचे तवा भी रखा है क्योंकि मेरा जो ये पड्डू का डिश है ये थोड़ा सा पतला है, तो इसलिए मैं तवा रख देती हूँ ताकि ये जले ना। हम बनाते हैं, जब तक वो तैयार हो रहे हैं हम बनाते हैं चॉकलेट सॉस, जो कि बहुत इजी है। आपने 2 चम्मच लेना है कोको पाउडर, बड़े चम्मच टेबलस्पून, और उसमें आपने मिल्क मिलाना है ताकि उसके लम्ब्स ना बने, इसलिए हम अलग से कर रहे हैं। आप चाहे तो सीधे डायरेक्ट पतीले में भी कर सकते हैं। तो हमने इसमें मिल्क डाल के इसको मिला लेना है। ये बहुत ही अच्छा सॉस बनता है, आप इसको फ्रीज़र में भी या फ्रिज में भी रख सकते हैं और ये काफ़ी दिनों तक ख़राब नहीं होता है, और इसको आप अलग अलग चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। केक में बहुत अच्छा यूज़ होता है, मैं आपको बाद में कभी बताऊंगी आगे। और हम इसको मिला के इसके जो लम्ब्स हैं वो हटा देंगे, 2 मिनट में इसके, 2 सेकंड्स में इसके लम्ब्स भी चले जाएंगे। और इसको मिलाते रहेंगे अच्छे से, और मिलने के बाद अब हम इसको डालेंगे। एक्चुअली कुकिंग चॉकलेट के साथ भी सॉस बहुत अच्छा बनता है, लेकिन बहुत ज़्यादा कुकिंग चॉकलेट भी बहुत खाई नहीं जाती, और ये बड़ा लाइट सा सॉस होता है और बड़ा टेस्टी भी होता है। और इसे आप देखिए, बहुत ही बढ़िया सा ग्लेज वाला सॉस बनता है ये, और ये बहुत ही इजी है। आप इसको स्टोर करके रखिए, हर चीज़ पे काम आएगा आपके। और तो ये हमने दूध लिया है, तकरीबन हमने 1 से 1.5 कप दूध लिया है, और इसी में हम मिला मिला के इसको हम इसमें डाल देंगे, और इसके बाद एक अच्छा सा स्टर कर देंगे इसको वापस से एक बार। अब हम इसमें डालेंगे मक्खन। मैंने सॉल्टेड, मेरे पास अमूल का सॉल्टेड बटर था, आप चाहें तो अनसॉल्टेड डाल दें, पर हल्का सा सॉल्ट इन्हेंस ही करता है टेस्ट को। तो इसमें 1.5 टीस्पून बटर डाला है, और उसको हमने इंडक्शन में रख दिया है, और इसको हम गर्म उबलने देंगे और हिलाते रहेंगे, और इसको हिलाते रहिए। और हिलाने के बाद जब आप देखेंगे कि इसमें हल्का सा ग्लेस आ गया है एक ना, आप खुद ही देखेंगे इसमें एक चमक सी आ गई है, बस आप समझ जाइए कि बन के तैयार हो रहा है। इसको जब ये बॉईल आ जाएगा हम वेट करते हैं। तो इसमें अब ये जो चॉकलेट सॉस हम बना रहे हैं इसमें एक बॉईल आ गया है, तो इसमें हमने अब इसको थिक करने के लिए थोड़ी सी कॉर्नफ्लावर की स्लरी डाली है, थोड़ा सा 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर को आप पानी में घोल लीजिए और इसमें डालिए, देखिए थिक हो जाएगा। थिक होने का मतलब है कि आपका जो चम्मच है, जो स्पून है, वो बैग से कोट हो जाएगा, तो इसका मतलब तैयार हो चुका है। अब हम इसमें शुगर डालेंगे, शुगर आप अपने अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा मीठा चॉकलेट सॉस पसंद है तो आप ज़्यादा शुगर डालिए, अथवा आप 1 से 2 टेबल स्पून शुगर बहुत होती है, तो हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून शुगर। और इसमें ही इस वक्त अगर आप चाहें तो इसमें आप कुकिंग चॉकलेट भी थोड़ी सी ऐड कर सकते हैं। ये हमारे अपम का दूसरा बैच है, जब हम चॉकलेट सॉस तैयार कर रहे थे तो हमने फर्स्ट बैच निकाल लिया था, और ये हमें दूसरा बैच अपम पड्डू का डाल दिया है। हमारे पड्डू का दूसरा बैच है, पहला बैच हम निकाल चुके थे जब हम चॉकलेट सॉस तैयार कर रहे थे, तो अब हम इसको भी निकाल लेते हैं। और हमारे ये बहुत ही डिलीशियस से चॉकलेट स्टफ्ड चॉकोलावा पड्डू तैयार है। आप जब इसको बाइट लेंगे तो अंदर से ये बिल्कुल चॉकलेट मेल्ट होती हुई निकलेगी बाहर, और ऊपर चॉकलेट सॉस डालते हैं हम इसमें। और ये गरम गरम आपने चॉकलेट सॉस डालना है, तो क्या होगा, गरम गरम जब हम चॉकलेट सॉस डालेंगे तो ये उसको सोक कर लेगा, और बहुत ही टेस्टी लगता है। जब आप इसको खाते हैं तो बिल्कुल चॉकोलावा केक जैसा होता है, अंदर से चॉकलेट निकलती है गुई गुई सी, और बाहर चॉकलेट का सॉस। और आप इसको वनीला आइसक्रीम के साथ खाएं तो और भी टेस्टी लगता है। अभी मेरे पास वनीला आइसक्रीम नहीं है तो हम ऐसे ही खाएंगे। तो ये चॉकलेट सॉस आ गया है इसके ऊपर, और बस ये हमारे चॉकोलावा पड्डू बनकर तैयार हैं, जो कि बहुत ही ईजी है बनाने में और खाने में बहुत ही लाजवाब। आप इसको खाइएगा, ये बहुत ही टेस्टी होते हैं, बिलीव में बच्चों को तो इतने पसंद आते हैं, बनते 2 मिनट में, 10 से 15 मिनट में फटाफट बन के तैयार हो जाते हैं, और दिखने में भी बहुत खूबसूरत। अगर आपके घर में पार्टी है तो आप इनको बनाइए और पहले से, और फिर इनको बस माइक्रो करिए और साथ में आइसक्रीम के साथ सर्व करिए, और ये हमारे तैयार हैं चॉकलेट स्टफ्ड चॉकोलावा पड्डू। देखिए योशी भी आ गया हमारा सूंघता हुआ। फ्रेंड्स, तो तब तक, कल तक के लिए आपसे विदा चाहती हूँ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और बहुत सारा प्यार, और खुश रहिएगा, और अच्छे से खाइए और खिलाते रहिए सबको। और कल हम मिलेंगे इसी जगह पर, तब तक के लिए
शबक है।